काम कर रहा हूँ इस आर्ट क्वार्टर पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है आज कैंट के अंदर कृषि प्रदर्शन मेला लगा है जिसपे हमारे कृषि मंत्री श्री जलाल। और मैं आपको बता दूँ सबसे पहले हमारी कंपनी का जैसे आप देख रहे हैं जो गेहूँ की वरायटी है 2052 और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वरायटी बहल के दशी के गाँव है सूरपुरा कोट। फार्मर का नाम है संदीप मदन सिंह का है लड़का, उसके खेत में ये वरायटी लगी। अगर आप मैं कैमरामैन थोड़ी सी थोड़ा सा इसकी बाल दिखाएं, इसकी बाल आप इसकी बाल देखोगे तो इसकी एक बाल में 110 से लेके 115-120 दाने तक है। कई जिम्मेदार भाई ये कहते हैं कि भाई छांट के लेके आए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे प्लांट भी है जिसके अंदर आपको 70 से 80 दाने भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि भाई हम सारी लंबी बाल ही ले गए हैं, ये इसका पूरा प्लांट जो है एक जगह का खड़ा हुआ था के लेके आए हैं। और आप अगर इसकी पैदावार की बात करेंगे तो इसकी अगर आप तगड़ी जमीन में लगाएंगे तो 80-85 तक की पैदावार ये वैरायटी देती है। और अगर हमारी जमीन की बात करें तो आपको ये 65-70-75 तक की पैदावार आराम से दे देता है। जिसकी अगर सीड रेट की हम बात करें तो एक किले में हम इसकी प्रेफरेंस करते हैं कि 50 किलो फार्मर जो हमारा जमींदार भाई है कम से कम 50 किलो इसको अपने किले के अंदर डाले। यह इस वैरायटी की खासियत है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि जमींदार भाई बिजाई करने में थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो मैं उन जमींदार भाई से भी अनुरोध करूँगा कि अगर वो बिजाई करने में लेट हो जाएं तो भी एक ऐसी वैरायटी है जो आपको जल्दी पक के तैयार हो जाती है और आपकी अगली फसल लेट नहीं करेगी। तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि अगली बार कृषि धन सीड्स कंपनी का KDW 2052 बीज जरूर लगाएं। जो भी अपना फ़ोन नंबर और बता दो। मैं आपको अपना मोबाइल नंबर और बता देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9988972114। नाम संदीप कुमार, हिसार हेडक्वार्टर पे मैं काम कर रहा हूँ इस कंपनी में। किसी भी किसान भाई को हिसार, जींद, बहल, तोशाम, जमालपुर किसी भी एरिया में अगर ये बीज चाहिए तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको आपके गाँव के आस पास हम ये बीज प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद जी।